शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भाभी, बुखार बहुत ज्यादा है और इस हालत में विक्रम का अस्पताल में एडमिट होना ही ठीक रहेगा। मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। आशु, एम्बुलेंस वास्ते रुकने की क्या जरूरत है? हमारी गाड़ी में चलो। नहीं रसाल, एम्बुलेंस में जरूरी इक्विपमेंट्स होते हैं और मुझे अस्पताल पहुंचने तक विक्रम का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना है। हेलो, हाँ जरा एम्बुलेंस भेज दीजिए प्लीज जल्दी। दादी सा, आप यहाँ पूजा की थाली, आप मंदिर जा रहे हैं? जाने वाली थी रसाल के साथ, पर मैं यो थाली लेने अंदर गई और रसाल मने लिए बिना ही चली गई। क्यों? रसाल भाभी सा जानती नहीं थी कि आप उनके साथ जाने वाली हैं? अरे मैंने उसे कहो थो कि मने वो दुकान को प्रसाद ना भावे है, मैं थाली लेकर अंदर से आऊ हूँ, लेकिन जब तक मैं यो थाली लेकर आई तू मने बताए बिना ही चली गई। अच्छा ठीक है, मैं आपको मंदिर ले चलती हूँ। मंदिर तो मैं रामदीन के साथ दूसरी गाड़ी में भी जा सकूँ, पर मने रसाल को यो बर्ताव अच्छो ना लाग्यो। आजकल घर में जिसे जो चाहे अपनी मनमानी करे, ना बड़ों के लिए आदर है ना अपनों के लिए प्रेम, न जाने क्यों हो गए सबने। ठाकुरों की हवेली ना किसी गांव की सराय लागे है यो घर मने। दादी सा, आप तो जानती हैं कि आजकल रसाल भाभी सा कितनी परेशान रहती हैं। शायद उनके दिमाग में कोई बात चल रही होगी और उसी की धुन में निकल गई होंगी। तो उसी के लिए कहेगी? अरे उस दिन भी दादी सा, I'm sorry दादी सा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं क्यों पर रसाल भाभी सा पर अन्याय होते देखती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। मैं जानती हूँ कि मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। I'm really sorry दादी सा, प्लीज। ठीक है, मैं अब भी रसाल भाभी सा को फोन करती हूँ और पूछती हूँ उनसे कि उन्होंने मेरी प्यारी दादी सा के साथ ऐसा क्यों किया, और अगर उन्होंने ठीक ठीक जवाब नहीं दिया ना तो मैं उन्हें डांटूंगी, आप देखना। डांटना मत, वैसे भी बहुत दुखी है बेचारी, बस पूछना मुझे लिए बिना कहीं चली गई, अकेली कहीं चली गई। जी दादी सा। भाभी सा इतनी परेशान है कि अपना फोन यहीं भूल गई। मने तो रसाल की घनी चिंता हो गई है, ऐसे कैसे जी पावेगी ये छोरी। शायद इसी परेशानी को दूर करने के लिए भाभी सा अकेली मंदिर जाना चाह रही होंगी और आपको बता नहीं पाई होंगी। हाँ शायद। मुंह से घनी आंखों पर मसल, लेकिन असल बात तो ये है कि आजकल आपका कोई भी पैतरा काम ना आवे। कस्तूरी से मिलाने वाले थे, कस्तूरी तो हाथ में ना आई। अरे इतना तुम्हें किसी लड़की के लिए ना दर्द था? चुप पड़ जे, कोई सुन लेगा। अरे पड़ जे अठे, दीवारों के दरवाजों के सबके कान होए, पर तू इतनी उतावल क्यों कर रहे हो है? मामा सा, आप कान खोल कर सुन लो, आप जल्दी से उतावल करो वरना गुस्सो थूक दे भाणजे। और मारी बात कान खोल कर सुन, मारे माइंड में एक ऐसो आइडिया आयो है भांजे कि कस्तूरी खुद ब खुद खींचे चली आवेगा। कान इधर कर, कान इधर कर भांजे का, इधर इधर इधर। हाँ क्या बकवास कर रहा मामा साहब, लगता आपका दिमाग खराब हो गया। आपने मारे को क्यों रणवीर के साथ कमजोर समझ रखा है जो प्यार में बावड़ा हो जाए? मेरा नाम कुंवर दीप सिंह है, कुंवर दीप सिंह। मारे को जो पसंद आवे ना उसको मैं उठा लूं,
उसके पीछे भागू ना। भांजे दरवाजे पे नोक नोक। अरे भांजे किसी ने अपना आइडिया को सुन तो नहीं लिया? नोक नोक। कौन आ रहा? अरे भांजे तू? दीप भाई साहब। अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ। हाँ छोटे, ये बात है छोटे, तू घना परेशान लग रहा। जो मैंने सुना है ना भाई साहब, उसके बाद मैं के सुन ले हो भांजे? वही जो रुक्मी ने मुझे बताया कि किस तरह मैंने तायसा के साथ बदतमीजी की, उसके बाद मैं तायसा से माफी मांगने गया था भाई साहब, लेकिन तायसा तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। छोटे तू चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा भाई साहब, तायसा का अपमान किया है मैंने, शराब के नशे में न जाने क्या क्या कह दिया उन्हें, उनकी बेइज्जती की है, बदतमीजी की उनके साथ, अपमान किया है उनका, सब कुछ बताया मुझे रुक्मी ने। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, कौन सा गुस्सा सवार था मेरे सर पे, जो मैं तायसा के सामने ये सब कह गया, उनका इतना अपमान कर दिया मैंने। भाई साहब हम सब तो साथ में बैठ के पी रहे थे ना, आप मैं मामा सा, तो फिर आप लोगों ने मुझे रोका क्यों नहीं? अगर मुझे इतना नशा हो गया था तो फिर मुझे आप लोगों ने तायसा के सामने जाने क्यों दिया? छोटे थारे को अटे देखकर मैं खुद परेशान हो गया था, खासकर पापा साहब पर चिल्लाते हुए देखकर, क्योंकि कल रात को मैंने खुद थारे को थारे कमरे पर छोड़ दिया था। भांजे रात को तू घणो परेशान तो मौत पी ली थी तुमने, आदमी को जब परेशानी होना भांजे तो पीनी नीचे चल जाती है, इस वास्ते मैंने थारे को पीने से मना किया था, पर तूने मारी बात मानी ना, और उसके बाद मैंने थारे को कमरे में छोड़ दिया था, लेकिन पता नहीं तू कैसे अपने कमरे से बाहर निकल पापा साहब के सामने जाके खड़े हो गयो। भाई साहब ताया साहब मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरफ से उनसे बात करें तो शायद। छोटे ये तुम्हारे से पूछ रहे? अरे थारे परेशानी देखकर मैं खुद पापा साहब से बात करने वाला था, और अगर वो ना माने ना मैं उनका पैर पकड़ लूंगा और उनसे विनती करूंगा कि थारे को माफ कर दे और जे सजा देना है मारे को दे दे। थैंक्स भाई। अच्छा को मनाने का रास्ता मिल गया रुक्मी, देव भाई साहब खुद तायसा से बात करेंगे। वो तो करेंगे ही, उन्हें आपको तायसा की नजरों में गिराना जो है। ये क्या बोल रही हो तुम रुक्मी? दीप भाई साहब मेरी तरफ से तायसा से बात करने वाले हैं और तुमों के वो इसलिए ठाकुर साहब क्योंकि दीप भाई साहब तायसा की नजरों में अपने आप को महान साबित करना चाहे और आपने उन्हें मौका दे दिया। जरा ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए ठाकुर साहब कि कल रात दीप को और साने ही आपको पीने वास्ते उकसाया था। मुझे कुछ याद नहीं रुक्मी और ना ही मैं कुछ याद करना चाहता। पता नहीं तुम्हें दीप भाई साहब से प्रॉब्लम क्या है, जब देखो उनकी खिलाफत करती रहती। क्योंकि ठाकुर साहब मैं जानू हूं कि वो आपका भला। इस वक्त दीप भाई साहब सिर्फ मेरे भले के बारे में सोच रहे हैं रुक्मी, पता नहीं क्यों लेकिन तुमको हमेशा सिर्फ यही लगता रहता है कि दीप भाई साहब मेरी मदद खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता रुक्मी। मैं इस बात से खुश हूं कि दीप भाई साहब मेरी मदद कर रहे हैं रुक्मी, मैं पहले ही बहुत परेशान और ऊपर से तुम ये फिजूल की बातें किए जा रहे हो, वो भी मेरे बड़े भाई साहब के खिलाफ। इन सब बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तुम जानबूझकर मुझे मेरे भाई साहब के खिलाफ भड़काना चाहती हो। तो इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी करो।
आशु। एम्बुलेंस कब की निकल चुकी है, पर मौसम ऐसा है कि, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, एम्बुलेंस किसी भी समय यहाँ आ सकती है। भाभी साहब, भाभी साहब, विक्रम को कुछ भी ना होगी, आपने हमारे से ये क्यों कहो? विक्रम चलो क्यों है? तो क्या करती? थारी को सच बता देती कि वो और परेशान हो तो? नरक बढ़ा के रखे तूने हमारे देवर को जीवन, और अब तक क्या देखने आई है? वो जिंदा है कि मर क्यों है? कल रात थारे घर से निकलने के बाद बारिश में भटकते रहे हो, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे हो, पर तब तक बुखार तो चढ़ ही चुका था ना, दर्द से कराते रहे हो, परेशान है, तन्ने भुलाने की कोशिश कर रहे हो, और इसी वास्ते आज सुबह ही गांव छोड़कर चलो जाने चाहते थे, थारी खुशी के वास्ते, और तू सब कुछ बर्बाद करके भट्ठे आई है और मारे से ही पूछी है कि मैंने क्यों कहो कि विक्रम यहाँ से चलो क्यों है? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि थारा सायो भी उस पे पड़े। भाणजे, मैं जा रहा हूँ कस्तूरी के घर, और एक बात ध्यान रख, तू वही करेगा ना जो मैंने कहा है तारे को, या फिर? मामा साहब, हमारी बात ध्यान से सुन, हमारे को कस्तूरी चाहिए, हमारे को उसका प्यार व्यार से कोई मतलब ना है, और वैसे भी दूध पीने वास्ते हमारे को गाय पालने का शौक ना है। अरे मन है जो कर। अरे भाणजे, कस्तूरी गाय नहीं है, हिरणी है, हिरणी इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आवेगी वो, और मैं कट्ठे थारे को उससे ब्याह करने को कह रहा हूं भाणजे, पण भाणजे बिना ब्याह के स्वागरात मनानी हो तो कपड़े तो तुले के पहनने पड़ेंगे ना, समझो? और आप क्या करोगे मामा? वैसे भी आजकल आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े, सोच रहा हूँ कि हाथ ऊपर कर दो। बस बस भांडे, बस जा रहे हो, जा रहे हो, और सुन ले, मैं कस्तूरी से मिलने को जा रहा हूँ सिर्फ थारे वास्ते, समझो? लेट्स गो, लेट्स गो। दीप, सुबेर कटे गए हैं, मैंने उसे इतनी आवाज दी पर उसने भारी बात सुनी ना, वो वसूली करने वास्ते गए मामा साहब, अभी अभी फोन आया था कि वो आदमी सिर्फ एक घंटे वास्ते घर पे, इसलिए मामा साहब। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जल्दी से नीचे आ जा, थारे पापा सा नाश्ते की टेबल पर आते ही हूँ, थारे को रणबीर के बारे में बात करनी है ना। अरे मासा, वो तो मैंने सिर्फ रणबीर की नजर में महान बनने वास्ते मैंने किया तो, पर सिर्फ रणबीर की नजर में क्यों, थारे पापा सा की नजर में क्यों ना? देखती आज नहीं तो कल थारे पापा सा रणबीर को माफ कर ही देंगे, और ये बात हम सब जाने, जे तू थारे पापा सा से सचमुच रणबीर के लिए माफी की गुहार करेगा तो ये बात दोनों को हमेशा याद रह जाएगी, थारी अच्छाई वास्ते रणबीर ने, और अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी निभाने वास्ते थारे पापा सा ने, एक ढेले से दो शिकार, और फिर भी शिकारी महान। नीचे आ जाना। आओ सर। और फिर विक्रम हवेली छोड़कर निकल आया, आगे तो तू जाने ही है। मैं सोच भी नहीं सकता कि विक्रम के दिल पर क्या बीती होगी, हाँ क्या हुआ? ओह, जिस बात का डर था वही हुआ, एम्बुलेंस बारिश की वजह से रास्ते में ही फंस गई और सारे रास्तों पर पानी भरा हुआ है। के होयो? गाड़ी ना आई? भाभी, एम्बुलेंस का आना मुश्किल लग रहा है,
रास्ते में सभी जगहों पर पानी भरा हुआ है। तो 28 विक्रम का इलाज? विक्रम का इलाज अगर यहाँ हो जाता तो मैं अस्पताल ले जाने की सलाह ही नहीं देता भाभी। मुझे जो कुछ करना था मैंने कर दिया, लेकिन मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और थोड़ी देर में अगर विक्रम अस्पताल नहीं पहुंच पाया तो? यही सुनने आई थी ना, यही देखने आई थी ना कि विक्रम कम मरने वाला है और तू चैन की सांस ले सके। तो अब खुश हो जा, तू खुश हो जा। अरे विक्रम ने समय पर अस्पताल ना पहुंचाया जावे को और वो अट्ठे तारे सामने दम तोड़ देवे को। नाम पर, किसी अपने के नाम पर विक्रम ही मारो अकेलो सारो है। भागे ने मारे से मारो सुहाग छीन लियो, माने छीन लियो, मायके में तो पहले से भी कोई ना थो। भगवान ने मारी कोक भी सुनी रखी, विक्रम ने ये कमी पूरी कर दी अपनी भाभी ने माँ को दर्जो देकर। पर विक्रम ने कुछ हो गयो तो मैं अपने भाग्य ने भी ना रो सकूंगी, क्योंकि भाग्य ने तुम्हारे बेटो मने वापस दियो तो। पर इस स्वार्थी औरत के कारण मारो बेटो मारे से छिन जावे को, मैं तन्ने कभी माफ ना करूंगी रसाल, कभी माफ ना करूंगी। भाभी रसाल प्लीज, ये समय ये सब सोचने का नहीं है। हमें ये सोचना है कि विक्रम को कैसे बचाया जा सकता है। रसाल हम तुम्हारे ड्राइवर को अस्पताल भेजते हैं, वो वहां से जरूरी सामान ले आएगा। हाँ मैं अभी बुला। रसाल मैं जाता हूँ। आशु बाहर बारिश हो रही है, मैं उसे फोड़ करके अंदर बुला लेती हूँ। हे भगवान, शायद मारो फोन भी गाड़ी में ही रह गया है। मैं देखता हूँ। भाभी आपने कहा ना कि विक्रम आपको माँ कहे, तो आप भी विनती करो ना माता जी महाराज से कि वो विक्रम में ठीक कर दे। एक माँ की बात भगवान भी ना टाल सकेगा। रसाल तुम्हारा फोन तो गाड़ी में नहीं है। शायद फोन घर पर ही छूट गए होंगे। क्या हुआ? तुम्हारा ड्राइवर गाड़ी में रेडियो सुन रहा था, उसमें बताया जा रहा है कि सारे रास्तों में पानी भर गया है। मैंने भी सुना और उसमें संदेश दिया जा रहा है कि लोग अभी अपने अपने घरों से ना निकले, सारे रास्ते भी बंद कर दिए जा रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा?